लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना जारी। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 115 निर्वाचन क्षेत्रों में 23 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बस्तर लोकसभा निर्वाचन के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं कार्यक्रम, छात्रों ने भी लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। और विश्व रंगमंच दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, नन्हे कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक का किया प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2019 के तीसरे चरण की अधिसूचना आज जारी होगी। इस चरण में 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 115 निर्वाचन क्षेत्रों में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। अधिसूचना के साथ ही इन क्षेत्रों में नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस चरण में नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख 4 अप्रैल है। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और उम्मीदवार 8 अप्रैल तक नाम वापस ले सकेंगे। तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और सरगुजा में मतदान होगा। दुर्ग कलेक्टर अंकित आनंद ने इस बारे में दूरदर्शन समाचार से बातचीत की। अधिसूचना जारी हो चुकी है। नाम निर्देशन प्राप्त करने के लिए 28 तारीख यानी आज से नाम निर्देशन प्राप्त किए जा रहे हैं 11 बजे से। प्रतिदिन जो शासकीय छुट्टी का दिवस नहीं है उस दिन 11 बजे से 3 बजे तक नाम निर्देशन प्राप्त किए जाएंगे। 4 तारीख नाम निर्देशन प्राप्त करने के लिए लास्ट डेट है और 5 तारीख को सभी नाम निर्देशन जो प्राप्त होते हैं उनका संवीक्षा और उसके उपरांत 8 तारीख तक नाम वापसी की अंतिम तारीख है। उसके उपरांत कैंडिडेट फाइनल हो जाते हैं और कैंडिडेट फाइनल होने के बाद यदि आवश्यक हो तो 23 तारीख को मतदान संपन्न कराया जाएगा। इसके साथ ही गुजरात, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 14-14, उत्तर प्रदेश में 10, ओडिशा में 6, बिहार और पश्चिम बंगाल में 5-5, असम में 4, गोवा में 2 और जम्मू कश्मीर, दमन दीव तथा दादरा और नागर हवेली में 1-1 सीट पर 23 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल नामांकन पत्रों की जांच हुई। इस चरण में प्रदेश के कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव के साथ ही 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 97 निर्वाचन क्षेत्रों में 18 अप्रैल को मतदान होगा। इस बीच लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 91 निर्वाचन क्षेत्रों में 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। आंध्र प्रदेश की सभी सीट, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम और उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की कुछ सीटों पर मतदान होगा। इसमें छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट भी शामिल है। इसी चरण में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव का भी आयोजन किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा विधानसभा की 28 सीटों पर इसी दिन मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने जगदलपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर बस्तर लोकसभा निर्वाचन के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बस्तर संसदीय क्षेत्र में स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्विघ्न रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर विशेष पुलिस महानिदेशक नक्सल ऑपरेशन गिरधारी नायक भी उपस्थित थे। उन्होंने शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम की जानकारी ली।
उन्होंने बताया कि कोई भी नागरिक अथवा संगठन सी विजिल ऐप के माध्यम से चुनाव संबंधी शिकायत कर सकता है। सी विजिल से प्राप्त शिकायतों का समय सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवसर पर रिटर्निंग अधिकारी एवं बस्तर कलेक्टर डॉक्टर अय्याज तंबोली ने चुनाव की तैयारियों की जानकारी दी। इस समीक्षा बैठक में कोंडागांव, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर से भी अधिकारी शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन दिनों विभिन्न जिलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बीजापुर जिले में स्वीप के अंतर्गत सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों पर छात्र और स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा रंगोली उकेरी जा रही है। इसके साथ ही दीप प्रज्वलन भी किया जा रहा है। चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए रंगोली स्पर्धा में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्लोगन, नृत्य और गीत में स्कूली छात्र छात्राओं ने अपना हुनर दिखाया। इस अवसर पर बीईओ जाकिर खान ने आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बताया। निर्वाचन में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में किया जा रहा है। इसमें हमारे नगर क्षेत्र के महिलाएं, स्कूली छात्र छात्राएं, युवाओं ने बहुत उत्साह के साथ भाग लिया है। इसके अंतर्गत आज हम रंगोली स्पर्धा, स्लोगन कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, डांस कंपटीशन और सिंगिंग कंपटीशन आयोजित किए हैं और इसके माध्यम से हम मतदाताओं में जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। स्वीप कार्यक्रम के आयोजन से स्कूली बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। उन्होंने लोगों से अपने मताधिकार के उपयोग का आह्वान भी किया। उसमें 11 अप्रैल को जो होने वाला है चुनाव, उसे जरूर उसमें सभी लोग जाएं, अपना जो जरूरी से जरूरी काम हो उसे भी छोड़कर लोग वोट दे जाए, क्योंकि ये हर साल नहीं आता, ये 5 साल में एक बार आता है। इस अवसर पर कलेक्टर तथा जिला निर्वाचन अधिकारी केडी कुंजाम द्वारा शत प्रतिशत मतदान के लिए शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। उल्लेखनीय है कि बस्तर लोकसभा सीट पर 11 अप्रैल को मतदान होगा। आज से तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए और आम लोगों में राजनीति सजगता बढ़ाने के लिए सी विजिल ऐप का उपयोग किया जा रहा है। सी विजिल ऐप पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। प्रथम और दूसरे चरण में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही ये शिकायतें 100 के पार हो गई हैं। इनमें से 99% शिकायतों का निराकरण भी कर लिया गया है। सबसे ज्यादा शिकायतें बिना अनुमति बैनर पोस्टर लगाने की है। निगरानी दल के द्वारा इन शिकायतों के आधार पर जब्ती की कार्रवाई की गई है। सी विजिल पर मिलने वाली शिकायतों के निराकरण के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में अलग से नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस ऐप के जरिए निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान होने वाली गड़बड़ी की तस्वीर और वीडियो को भेजा जा सकता है। मतदाता को रिझाने के लिए पैसे अथवा उपहार वितरण, भड़काऊ भाषण देने, बिना अनुमति सभाएं करने, अनाधिकृत सामग्री परिवहन जैसी शिकायतें सी विजिल ऐप के माध्यम से की जा सकती हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। घर घर में सबने शौचालय बना लिए। अरे भाई साहब, असली हीरो तो कोई और है। ये लो बच्चों, ये असली हीरो को जाकर के हार पहनाओ। अरे असली हीरो, अपना हार तो पहन लो। चाचा हीरो का फर्ज ही तो निभाया, दरवाजा बंद रखे, गंदगी और बीमारी को पहले से भारत के घर घर में शौचालय खुला, अब खुले में जाना बंद, रखो दरवाजा बंद। और याद रहे, शौचालय का इस्तेमाल और देख रहे हर कोई, हर रोज, हमेशा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में।
पुलिस कर्मियों के कल्याण और उन्हें तनाव मुक्त जीवन शैली से रूबरू कराने के लिए पुलिस ट्रांजिट मेस रायपुर में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पुलिस कर्मियों के लिए उपयोगी योजनाओं की शुरुआत करने की चर्चा भी की गई। डीजीपी डीएम अवस्थी ने पुलिस स्टाफ और आरक्षकों से बातचीत की। श्री अवस्थी ने इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया, नया कार्यक्रम शुरू किया हुआ है, नो योर मैन नो योर कम्युनिटी, नो योर कम्युनिटी नो योर मैन। अपने परिवार को पहचाने और अपने समुदाय को पहचाने, यानी पुलिस वाले जिस थाने में हैं वो लोग वहाँ जो लोग रहते हैं, कम्युनिटी रहती है, उसकी पहचान होना चाहिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो उनको सबको ये मौका दिया जा रहा है और अपने आदमियों से भी एसपी का नीचे के अधिकारियों का परिचय होना चाहिए। जहाँ तक सवाल है, ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है, हम पूरे प्रदेश के डीएसपी एडिशनल एसपी उनको हमने 8 ग्रुप्स में बांटा है और उन ग्रुप्स को हम बराबर बुला रहे हैं और वो पुलिस मुख्यालय में उनको एक एक ग्रुप को बुलाते हैं, उनके साथ एक दिन का हम इंटरेक्शन रखते हैं और अगली कड़ी में सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर्स को भी बुलाना है। सिपाही हवलदारों की संख्या बहुत है और काफ़ी लंबी ड्यूटियां हैं उनकी, तो इसलिए हमने ये शुरू किया है कि हर ज़िले में जाएंगे और सिपाही हवलदार ASI सब इंस्पेक्टर उनसे भी मिलेंगे, जिससे कि ये इंटरेक्शन प्रोग्राम जो है रहे, उनको अच्छा लगे। रायपुर के अलावा जल्द ही दुर्ग और अन्य जिलों में भी इसी तरह की बैठकें आयोजित की जाएंगी। चुनाव के बाद पुलिस कर्मियों के लिए खेलकूद संबंधी गतिविधियां भी शुरू की जाएंगी। इसके अलावा फील्ड में अच्छा प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। विश्व रंगमंच दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर भिलाई रुआबांधा श्रम बस्तियों में बाल रंग के कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया, साथ ही रैली भी निकाली गई। विश्व रंगमंच दिवस की स्थापना 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा की गई थी। ये दिन उन लोगों के लिए एक उत्सव है जो थिएटर के मूल्य और महत्व को देख सकते हैं। रंगमंच से संबंधित अनेक संस्थाओं और समूहों द्वारा इस दिन को विशेष दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर बाल रंग संस्था के प्रमुख विभाष उपाध्याय ने भारत में रंगमंच और नाट्य कर्म के बारे में विस्तार से बताया, साथ ही बच्चों को रंगमंच से जोड़ने का आह्वान भी किया। ये है कि दुनिया के अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रंगकर्म करना चाहिए, बच्चों को भी रंगकर्म करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो जितना मीडिया हावी हो गया है, अपना टीवी है, मोबाइल है, तो बच्चे इनमें बहुत खो गए हैं। उनके उनकी जो बचपन जो है वो खो रहा है, उसको जिंदा रखने के लिए बच्चों को रंगकर्म करना चाहिए और बच्चों के लिए रंग करना चाहिए, बच्चों के द्वारा भी करना चाहिए, ये दोनों काम। उल्लेखनीय है कि भारत में रंग मंच का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा समझा जाता है कि नाट्य कला का विकास भारत में ही हुआ। अंबिकापुर जिले के रामगढ़ पहाड़ पर महाकवि कालिदास जी द्वारा निर्मित प्राचीन नाट्यशाला को भारत की सर्वप्रथम नाट्यशाला होने का गौरव प्राप्त है। विश्व रंगमंच दिवस पर राजधानी रायपुर में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अग्रसेन महाविद्यालय के छात्रों द्वारा तेलीबांधा में नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुति दी गई। ये नाटक सामाजिक बुराइयों पर आधारित थे। लड़कियों पर एसिड अटैक, नशे की गिरफ्त में युवा और चंद पैसों के चक्कर में धोखाधड़ी करने वाले युवाओं को इन नाटकों में बखूबी रेखांकित किया गया। छात्रों द्वारा खेले गए नुक्कड़ नाटक में सामाजिक बुराइयों पर प्रकाश डाला गया। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण और मतदाता जागरूकता जैसे समसामयिक विषयों पर भी छात्रों ने अपनी प्रस्तुति दी। राजनांदगांव सहित आसपास के शहरी क्षेत्रों में माओवादी गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी एन मूर्ति के खिलाफ पुलिस आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाई। आरोपी को 3 महीने पहले पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इस पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में माओवादी नेटवर्क फैलाने का आरोप लगाया गया था। इसे मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया था। इसके पास से एक वॉकी टॉकी सहित माओवादी साहित्य और डेटोनेटर भी बरामद हुए थे।
उसके बाद भी पुलिस कोर्ट में आरोप पत्र पेश नहीं कर पाई और आरोपी बरी हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना जारी। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 115 निर्वाचन क्षेत्रों में 23 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बस्तर लोकसभा निर्वाचन के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं कार्यक्रम, छात्रों ने भी लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। और विश्व रंगमंच दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, नन्हे कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक का किया प्रदर्शन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।